Addis FM and Miss Sam presenting news updates. Assalamu alaikum nazreen, aaj ki ahem khabron ke saath main hoon Durre Sameen. खुशहाली का मंसूबा है, चीन की शराकत दारी खुश किस्मती है, बैलेट एंड रॉड के जरिए रब्तों को मजीद बढ़ाना होगा। वजीर आजम इमरान खान का गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा खित्ते की खुशहाली से मसाइल का हल मुमकिन हो सकेगा, अफरादी कुव्वत की तरबियत के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए जाए। ईस्टर धमाकों के बाद श्रीलंका में फोर्सेस का ग्रैंड ऑपरेशन, दहशत गर्दों के ठिकानों पर छापा, फायरिंग के तबादले के दौरान 3 दहशत गर्दों ने खुद को उड़ा लिया, 3 खवातीन और 6 बच्चों समेत 20 अफराद हलाक, मकान से बड़ी तादाद में असलाह और गोला बारूद बरामद, मजीद हमलों के पेश नजर गिरजाघरों में इतवार की इबादत मुअत्तल कर दी गयी। भारत सरकार दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी कराने की रियासती पॉलिसी पर गामजन, श्रीलंका में धमाके, दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलने लगे, मास्टरमाइंड ज़हरान हाशमी ने भारत से ट्रेनिंग हासिल की, काफी अरसे जनूबी भारत में मुक्तिम रहा, भारतीय हुकाम ने चुपका रोजा रख लिया। अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका मंसूख, मौजूदा सूरत हाल में सीरीज के लिए तैयार नहीं, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का मौकफ, पाकिस्तान अंडर 19 की क्रिकेट टीम ने 30 अप्रैल को श्रीलंका रवाना होना था। 90% पौधे गायब हैं, इमरान खान ने 10 करोड़ पौधों को 5 अरब बना दिया, कोई नहीं जबान फिसल गई होगी, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों के ख्वाब देखने वालों के लिए घबराने का वक्त हो गया, मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा ड्रामे की हकीकत रोज आवाम के सामने आ रही है, शुक्र है ये नहीं कहा कि पिशावर में लाइट की रफ्तार से तेज मेट्रो बनाई है। हमजा शहबाज की 10 अप्रैल गुजर गई, नैब ने लीगी रहनुमा को सवालनामा भिजवा दिया, तमाम कंपनियों की तफसीलात फराहम करने, टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की हिदायत, हमजा शहबाज ने असासों में इजाफे और टैक्स रिटर्न पर भी जवाब ना दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुल्तान में नश्तटू अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया, नश्तटू जनूबी पंजाब के आवाम के इलाज के लिए बेहतरीन इजाफा है, सेहत की सहूलियात बेहतर होंगी, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। एमक्यू पाकिस्तान का आज कराची में पावर शो, बाकीना में पिंडाल सजाया, कुर्सियां लगाई, आमिर खान का जलसगा का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया, आवाम की भरपूर शिरकत। मीशा शफी ने जाती मफाद के लिए टारगेट किया, इल्जाम लगाकर कनाडा चली गई, इल्जाम से ज़हनी परेशानी का सामना करना पड़ा, अदालत जैसे जल्द मुकदमे का फैसला करे, गुलकार अली जफर की मीडिया से बातचीत, हिता के इज्जत के केस में बयान रिकॉर्ड कराया। और कराची वाले हो जाएं होशियार, आइंदा हफ्ते पड़ेगी कड़ाके की गर्मी, महकमे मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया, यकुम से 3 मई तक शदीद गर्मी पड़ेगी, समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी, दर्जे हरारत 42 डिग्री को छू सकता है, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा, जनूबी पंजाब सिंध और बलोचिस्तान में भी शदीद गर्मी। FM Hadis 72 is available on Play Store. Download now. This news update brought to you by FM Hadis 72, the voice of Seoul.